रहनुमा पीटीआई लतीफ़ खोसा का कहना है, आईनी तरमीम अपने मनपसंद जज को लाने के लिए की जा रही है। आईनी तरमीम काजी फायज ईसा को रखने के लिए की जा रही है। अपने बयान में कहा कि काजी फायज ईसा को जाने दें, फिर उसके बाद बैठकर बात करें। गन पॉइंट पर 19वीं तरमीम कराई गई थी। उसमें बैलेंस की जरूरत थी। 19वीं तरमीम उस वक्त मैं उसी पार्टी में था, उस वक्त गन पॉइंट रखकर हमारे से 19वीं तरमीम करवाई गई थी। बिलावल ने भी कहा मैं उसी पार्टी में था और मैं सेक्रेटरी जनरल था। इस वक्त जो तरमीम की जा रही है वो सिर्फ काजी फैज ईसा को रखने के लिए की जा रही है, ताकि अपने मन पसंद ये जो है फैसले काजी फैज ईसा को जाने दें, उसके बाद बैठकर बात करें और खुले बात करें, हमारे से भी मशवरा करें, बार काउंसिल से मशवरा करें, पाकिस्तान बार काउंसिल से ले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ले, सारे स्टेक होल्डर से मशवरा करके ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। कोई बात नहीं, अवाम उसके साथ है, अवाम उसके साथ है। जितना ये तवालत देंगे उतनी ही उसकी मकबूलियत में इजाफा होता चला जाएगा। क्या फर्क पड़ता है भाई, सियासी लोगों की जो है कैदो बंद ये रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासी बंदे की मौत उस वक्त होती है जब अवाम उसे जो है दिल से उतार देते हैं। अब इनकी जो हुकूमत में होते हुए अवाम इनको दिलों से उतार चुकी